जंगल जो है ना वो इसे कहते हैं। देखो ये मोड़ी का पेड़ लग रहा है, ये का मतलब ऊपर तक पता ही नहीं चल रहा है कि छत बना रखी पेड़ों ने। अरे वो तेल और शैम्पू भी। अक्सर राजस्थान के बारे में आप जब भी सोचते होंगे तो आपके दिमाग में क्या आता होगा, रेत के धोरे, ऊंट, खुले मैदान, रेगिस्तान या पगड़ी बांधे हुए राजस्थानी वेशभूषा में पहने हुए ग्रामीण। लेकिन राजस्थान के अंदर आज हम आपको एक ऐसी जगह दिखाने वाले हैं जिसको देख करके आप चित्र हो जाएंगे, चौंक जाएंगे। इतनी हरियाली, इतने सघन वन, इतने ज़्यादा पेड़ और बहुत ही बड़े विशाल भूभाग में फैली हुई ये सीता माता सेंचुरी, जो कि पौराणिक महत्व से भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उसी के साथ साथ काफ़ी सारे यहाँ पर वन्य जीव आपको देखने को मिलते हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपका मन मोह लेती है। अक्सर बात की जाती है जब राजस्थान की, तो ये माना जाता है कि राजस्थान के अंदर पानी की कमी है। ये भी माना जाता है कि राजस्थान के अंदर सिर्फ रेगिस्तान है, वहाँ पर जंगल नहीं है। लेकिन जब आप आएंगे राजस्थान के प्रतापगढ़ ज़िले, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर ज़िले के मध्य में एक सीता माता रिजर्व सेंचुरी के नाम की ये जगह है जो नेशनल अभयारण्य की श्रेणी में आता है। इतना मनमोहक है कि यहाँ पर 2400 घंटे 365 दिन झरने चलते हैं। आप सोच नहीं सकते, भरी गर्मी में जब जून के महीने में टेम्परेचर 50 डिग्री 56 डिग्री तक चला जाता है राजस्थान का, उस समय में भी यहाँ पर झरने चलते हैं, लोग नहाने आते हैं। यहाँ पर पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अगर माना जाए तो ये कहा जाता है कि सीता माता जी ने जब वनवास अपना यापन किया था तो वो यही जगह थी जहाँ पर सीता माता जी ने वनवास का यापन किया था, और उसके बाद जब उन्हें समाधि लेनी पड़ी थी तो यही वो जगह थी जहाँ पर वाल्मीकि आश्रम था और इसी आश्रम के पास उन्होंने समाधि ली थी। बताया ये भी जाता है कि हनुमान जी जब राजा राम के दरबार में थे, उसके बाद में वो लड़ने आए थे, तो लवकुश जो कि राम जी के ही बेटे थे, उन्होंने यहाँ पर हनुमान जी को बंदी बना लिया था। उसके साक्ष्य प्रमाण शिलालेख आज भी यहाँ पर मौजूद है। बहुत ही खूबसूरत ये नज़ारे हम आपको दिखाएंगे इस वीडियो में। We'll be right back.
अभी ये सीता माता जी का अंदर जाने का रास्ता है जो काफ़ी ज़्यादा ये देखिए श्रद्धालु जा रहे हैं और ये रास्ता ठीक नहीं है, सबसे ज़्यादा दिक्कत यही आती है, पूरा जंगल है और कैमरा भी हिल रहा है मेरा वैसे। और पीछे से अगर मैं दिखाऊँ तो देख लीजिए आप कितना बीच में सघन वृक्ष के साथ पहाड़ ऐसे आते हैं कि मनमोहक है। तो ऐसे श्रद्धालु जो आते हैं फोटो भी खिंचवाते हैं और अगर आप बदल को देख सकें तो देख बहुत करीब बदल दिख रहे हैं, ये देखिए बदल बहुत करीब है। के बीच में एक बहुत ही अजीब चीज़ यहाँ पर है, इसका नाम है 12 बीघा बरगद। मतलब ये एक बरगद का पेड़ है, बहुत से लोग बोलते हैं बहुत ज़्यादा होगा लेकिन ये एकमात्र बरगद का पेड़ है। और ये आप देखेंगे ये 12 बीघा में फैला हुआ है। ये देखिए ये जड़ें हैं, ये ऊपर जा रही है, अभी ऊपर जाते 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 ये देखो फिर वापस हो नीचे आ गई। ऐसे ये पूरा बरगद जो है पूरे 12 बीघा में फैला हुआ है, बहुत ही बड़ा लंबा चौड़ा ये पेड़ है, एक ही पेड़ है, विशालाकार पेड़ है। ऐसा बताते हैं कि माता सीता ने यहाँ पर भक्ति करी थी और लवकुश यहाँ खेलते थे, लवकुश का एक क्रीड़ा स्थल इसको बोला जाता है। तो आप देख सकते हैं वाकई में काफ़ी ज़्यादा ये ऐतिहासिक है और एक तरीके से देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा ये आध्यात्मिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण एक स्थान है जो राजस्थान के अंदर है। जय माता दी। जब हम बाहर की तरफ आएंगे तो हमें नज़र आएंगी वही जड़ें, ये पूरे 12 बीघा से भी ज़्यादा के क्षेत्र में फैली हुई है क्योंकि 12 बीघा तक का अनुमान लगा लिया गया है, इसलिए इसको 12 बीघा बरगद कहते हैं। और आपको लगेगा ऐसा कि जैसे ये पेड़ नहीं है, ये देखिए ये जड़ें हैं, ये ऊपर जा कर के मिल रही है एक दूसरे से, देख लीजिए। और ये पूरी बरगद उससे मिला हुआ है जो मेन बरगद है। यहाँ इसका एक शिला मार्क लिखा हुआ, इसमें ये लिखा है कि 12 बीघा बरगद, ये बरगद का पेड़ बहुत ही प्राचीन है, इसका मुख्य तना समय के साथ नष्ट हो चुका है, वर्तमान में इसका फैलाव लगभग 12 बीघा भूभाग में होने से ये 12 बीघा बरगद के नाम से जाना जाता है। स्थानीय मान्यता के अनुसार ये लवकुश जो कि भगवान श्री राम के पुत्र थे उनका क्रीड़ा स्थल भी माना जाता है। इसकी ऊंचाई आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा ऊंचा है, इसका एल्टीट्यूड आप देख सकते हैं 743.04012 है जो कि काफ़ी ज़्यादा है। तो ये बहुत फेमस जगह है राजस्थान की, ये आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये नीचे लटकी हुई है जड़ें, और इन्हीं जड़ों को लक्ष्मी झूले के नाम से जाना जाता है। और आगे बाइक थोड़ी जाती है, अब तो सीधा चढ़नी पड़ेगी ना। कितना दूर है?
आधा किलोमीटर गल जो है ना वो इसे कहते हैं। देखो मतलब ऊपर तक पता ही नहीं चल रहा है कि छत बना रखी पेड़ों ने। अरे वो तेल और शैम्पू भी देख सकते हैं आप। शैम्पू वगैरह सब ले लेना भाई। ये देखो क्या गजब का व्यू है यार। Thank you.